Hey guys, welcome back to my new vlog. आज है दोस्तों सैटरडे और कल के बाद हम लोग आज सिर्फ आराम कर रहे हैं बिकॉज कल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई थी. और अभी थोड़ी देर पहले मेरे अमेजोन से एक पार्सल आया, उसको मैं ज़रा अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ क्या है इसके अंदर. वैसे मैंने दो चीज़ें मंगाई थी, देखते हैं कि दोनों चीज़ें आई हैं कि नहीं. तो इसमें मैंने अपने लिए अंडर आर्म के लिए रोल ऑन मंगाए थे जो आ चुके हैं. और तीसरी चीज है ये, आप देख सकते हैं ये एक फोर आर्म्स के लिए हैंड ग्रिप है, फोर आर्म्स के एक्सरसाइज के लिए. तो बहुत सस्ते में मिला था मुझे ये. लेट्स सी कि इसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं. वाह, इसमें 6 महीने की वारंटी भी है. तो गाइस, इसमें बेसिकली आप एडजस्ट कर सकते हो वेट को, 60 kg to 5 kg. तो मैंने अभी इसको 60 kg पे रखा है घुमा के. बहुत इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. तो मेरे को जस्ट चेक करना था. वैसे देखते हैं 60 kg में क्या उठा सकता हूँ. 60 kg तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस, इतना मेरे हाथ में अभी ताकत नहीं है. तो ये मैंने अभी 5 kg पर रख दिया एडजस्ट करके. मेरे को खास करके इसको अपने लेफ़्ट हैंड के लिए यूज़ करना था बिकॉज लेफ़्ट हैंड मेरा कंपैरेटिवली वीक है राइट हैंड से. क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है. और इसकी अच्छी बात ये है, इसको बैठे बैठे आप आराम से एक्सरसाइज अपने फोर आर्म्स को, अपने हैंड ग्रिप को ट्रेन कर सकते हो. इसके अगर मुझे वारंटी को क्लेम करना है तो मुझे कुछ ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा. ना अभी ना ट्राई करेगी इसको. मैंने इसको एडजस्ट करा है अभी 5 kg में. बिना ट्राई कर, 5 kg उठा रहे ऐसा है? हाँ, 5 kg दबा रहे. कितना तो रेप्स मार सकती है? पूरा दबा, पूरा. ये क्या है? पूरा दबाने का है. हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरे हाथ से कर. तो क्या कर दिया ना मैंने? कर ना दूसरे हाथ से भी. क्या होता क्या इससे? इससे फोर आर्म्स और ग्रिप काफी मजबूत हो जाती है. 1, 2, 3, 4, 5. मेरे हाथों पे नहीं टिकरा पड़ा होगा. 6 और दबा 7, 8, 9, 10. दबा सकती है. मैं करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इतना दबाने का है. ऐसे दबा के रखने का. तो मेरे हाथ छोटा है ना. मुझे तो गाइस ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा है, खास करके मेरे हैंड ग्रिप के स्ट्रेंथ के लिए. मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट. सो गाइस, वैसे तो मेरा आज कुछ ब्लॉग करने का प्लान नहीं था, बट कल मुझे बहुत मजा आया इसके लिए मैंने आज भी बना दिया. कंटिन्यू किया भाभी ने. तो अभी वीना जो है वो थाने जा रही है मौसी के यहाँ, और मैं वीना को छोड़ने आई हूँ. एक्चुअली छोड़ने नहीं आई हूँ मैं, हम लोग जूडियो जा रहे हैं. हाँ, हम लोग को पैसे लेने के लिए. हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा है फिर हम खर्च करने जा रहे हैं. हाँ, मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया. चलो, जयश्री भी आ गई है गाइस. अभी वीना और जयश्री साथ में थाने जाएंगे. सो गाइस, मुझे एक ही ड्रेस पसंद आ रहा है. लेट्स सी, अगर मुझे फिट बराबर होगा मैं ये ले लूँगी. सो हमने शॉपिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं खाने. ओके, जयश्री तो क्या खाएगी? मैं अभी देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी. लाइक वी हैव गुड ऑप्शंस हियर. मुझे यहाँ की एक चीज़ अच्छी लगी कि खाने के साथ साथ उनकी कैलोरीज भी लिखी हुई है. तो जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है.
और वीना और जयश्री सिटिंग एरिया में जा रहे हैं. क्या है? चिकन नगेट्स बाय वन गेट वन फ्री. ओह, पिकअप पिक योर पार्टी मस्ट हैव्स. नाइस. नया है इसलिए क्या डिस्काउंट हो सकता है? वी हैव मेकअप ऑप्शंस आल्सो. नाइस ना? वेरी नाइस. अरे यहाँ पे काफी सारे ऐसे फेस वॉश. यहाँ पे देख फ्रेंच पीज़ लाइक करीना कपूर उसकी ब्रांड अम्बेसडर है. हाँ, ये कोरियन स्किन केयर है. आई बिलीव. हाँ, ये कोरियन स्किन केयर है. करीना कपूर का? हाँ, आई मीन ब्रांड अम्बेसडर है करीना कपूर ने लिटरली इसको ये करा, एडवर्टाइज करा है. चेरी ब्लॉसम ग्रेप फ्रूट पर्ल. अच्छा, मुझे पता नहीं. एक तो ये देखो कंट्रोल एक्सेस ऑयल मेक योर स्किन ग्लोई. दिस इज फॉर यू. यू हैव चिया वाटर लाइक व्हाट माचा ग्रीन टी. ओह, ये क्या है? बकुची ऑयल. सॉरी गाइस, ओनली इफ यू नो हाउ टू प्रोनाउंस इट कमेंट डाउन. मेरा ऑर्डर भी आ चुका है. थैंक यू मैम. सो हमारा जो खाना है वो आ चुका है. खाना नहीं एक्चुअली, वीना क्या है हम लोग को? हम स्नैक बोलेंगे. या स्नैक्स स्नैक्स. और ये तो चिकन पॉप्स है ना. ये चिकन पॉप्स ना बहुत ज्यादा टेस्टी. बाकी ट्राई करो. एंड इट्स स्पाइसी आल्सो. हम्म, देखो इसका. हां हां, सो गुड सो गुड. इट्स सो टेस्टी. जस्ट आगे. यस, बाय गाइस. सो गाइस, बीना और जयश्री तो जा चुके हैं. आई मीन वो लोग को रिक्शा मिल गया था तो वो लोग निकल गए. मैं भी घर जाती हूँ, देखती हूँ डेजी उठी है कि नहीं. मोस्टली मुझे लग रहा है वो उड़ गई होगी, बट अगर नहीं उठी है तो बहुत अच्छी बात है. मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी क्योंकि इट्स सैटरडे. चलो फिर बाय. तो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 8:30 और आज मैं खेलने जा रहा हूँ फुटबॉल अपने दोस्तों के साथ. क्रिकेट बहुत टाइम से बंद कर रखा है तो आज मैं भी क्रिकेट खेलूँगा. और सांगी क्या कर रही है? काजल देख, उसने सारा सामान निकाल दिया है. उसको पकड़. चलो इधर आ जाओ. पापा ने ऐसे ही बोला ना झूठ. हाँ चलो बाहर. वो कैदी को लेके आते ना. तो गाइस, फाइनली हमारा फुटबॉल खेल के हो चुका है. टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं. फिलहाल मैं यहाँ पे ग्राउंड में बैठा हूँ अपने दोस्त ओमकार के साथ में. और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, बात बात करेंगे और कुछ दोस्त आएंगे और फिर घर निकल जाएंगे. तो गाइस, अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग पे. तब तक के लिए सी या. बराबर आ रहा है एंगल? बराबर है मेरा? नहीं, हाँ ये साइड से चलो तुम भी.